हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट जो है कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो इसका एल्गोरिदम हम देखेंगे। तो सम ऑफ डिजिट का एल्गोरिदम है, स्टेप वन, गेट एनी नंबर फ्रॉम द यूजर। आप यूजर से कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट कर दी लिए, उसके बाद जो है गेट द मॉड्यूलस और रिमाइंडर ऑफ द नंबर। आप जो है मॉड बाय ऑपरेटर से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर दीजिए। तो रिमाइंडर जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको उसे मॉड करना पड़ेगा 10 से। तो उसके बाद जो है सम द रिमाइंडर ऑफ द नंबर, जो रिमाइंडर आएगा वो जो है सम वेरिएबल में ऐड कर दीजिए। उसके बाद रिमेनिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड द नंबर बाय 10, तो आपको रिमेनिंग नंबर जो है मिल जाएगा। और रिपीट द स्टेप टू व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0। और ये दोनों, ये जो तीन स्टेप है वो रिपीट होती रहेगी, कब तक, जब तक हमारा नंबर जो है 0 नहीं रहता है तब तक ये रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया है 123, तो आपको जो है इसके हर एक डिजिट की सम करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने 1 + 2 + 3 = 6, तो ऐसे हर एक डिजिट की सम करके यूजर को आपको डिस्प्ले करनी है। तो ये प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस प्रोग्राम में हमें सम ऑफ ईच डिजिट करनी है। तो हमें यूजर से कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसके हर एक डिजिट की हमें सम यूजर को डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से कोई ना कोई नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है। अब यहाँ पर मैं इंटीजर डेटा टाइप ही क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी एल्गोरिथम में देखा, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉड्यूलेशन ऑपरेटर का यूज करना है, और मॉड्यूलेशन ऑपरेटर का अगर यूज करना है तो हमें इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल ले रहा हूँ एनओ फॉर एक्सेप्टिंग नंबर फ्रॉम द यूजर। उसके बाद जो है उसके हर एक डिजिट को हमें सेपरेट करना है। उसका डिजिट जो है सेपरेट होने के बाद कहाँ पर हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने डी वेरिएबल लिया, इसमें 0 का साइन कर दिया। उसके बाद जो डिजिट सेपरेट होगा उसकी हमें सम फाइंड आउट करनी है, इसलिए सम वेरिएबल लिया और उसे भी 0 का साइन कर दिया। यूजर को यहाँ पर मैसेज दिया एंटर एनी नंबर। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्कैनएफ स्टेटमेंट में जो नंबर एंटर किया जाएगा वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए परसेंट डी ऑफ इसे स्टोर करना है एड्रेस ऑफ एनओ वेरिएबल में, हमने इसे स्टोर कर दिया। तो उसके बाद जो है व्हाइल लूप आएगा, क्योंकि ये जो नंबर एंटर किया जाएगा वो सपोज 4 डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा, तो हमें वही टास्क जो है 4 टाइम 5 टाइम परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप ने हमने कंडीशन दे दी नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है उसका जो लास्ट 1 डिजिट है उसे सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिख दिया डी इज इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10। क्या लिख दिया, नंबर मॉड बाय 10। तो जो लास्ट 1 डिजिट होगा, जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है, वो डी वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हमें उसकी सम करनी है, इसलिए सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। जो हमारा डी वेरिएबल में आंसर है वो हमने उसकी सम कर दी। उसके बाद जो है रिमेनिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। नंबर डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर लिख दिया। तो जो नंबर बचेगा वो फिर से नंबर वेरिएबल में ओवरराइट हो जाएगा। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है इसका ड्राई रन करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो सम वेरिएबल में आ गया होगा, तो यहाँ पर हमें उसे प्रिंट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर यूजर को आंसर डिस्प्ले करना है, इसलिए स्लेशन सम ऑफ डिजिट, आंसर जो है हमारा सम वेरिएबल में है, इसलिए परसेंट डी ऑफ सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट कर दी। उसके बाद जो है गेट सी एच फंक्शन आएगा और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कंपाइल करके देखते हैं। ओके, कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है एंटर एनी नंबर।
सपोज मैं 123 नंबर एंटर कर देता हूं, इसके बाद एंटर की प्रेस करता हूं, तो यहां पर सम डिस्प्ले कर रहा है डिजिट की 6, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 हमें एल्गोरिथम ने पहले ही देखा है कि इसकी सम जो है 6 आती है। तो आप जो है हम सम ऑफ ईच डिजिट ये जो प्रोग्राम अभी रन करके देखा, तो इसे ही ड्राई रन करके देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ व्हाइल लूप जो है कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही प्रोग्राम में जो वेरिएबल लिए हैं वो लिख लिए हैं, इंटीजर नंबर वेरिएबल है जिसमें यूजर से हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद डी वेरिएबल है जो डिजिट सेपरेट होता है उसे स्टोर करने के लिए हमने यूज किया है, उसके बाद उसकी जो सम करनी है उसे स्टोर करने के लिए सम वेरिएबल लिया है। तो उसके बाद हमने यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं जो वो नंबर 123 ये जो हमने 123 ये जो नंबर अभी रन करने के बाद हमने जो लिया था वही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। 123 नंबर जो है हमने यूजर से एक्सेप्ट किया है, और ये जो है इसकी ईच डिजिट की एडिशन जो है यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करके शो करता है ये अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने चार पार्टीशन बना लिए हैं, पहले मैं व्हाइल की कंडीशन मेंशन कर दी है, उसके बाद जो डिजिट सेपरेट होता है उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद सम करने के लिए फॉर्मूला लिखा है, और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जो हमारा नंबर है वो कितना है 123, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी 123 इज ग्रेटर देन जीरो, तो कंडीशन क्या है ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, d इज इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10, यानी 123 मॉड बाय 10, इसका कितना आंसर आ जाएगा। आप जो है डिवाइडेशन करके देख सकते हैं, हम जो डिवाइडेशन का रिमाइंडर होता है वो यहां पर लेते हैं, तो 123 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर रहा, उसके बाद 23 आ गए, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेशन हो गया, तो यहाँ पर 20 आ गए, और यहाँ पर जो है 3 जो है रिमाइंडर बच गया। ओके, अब यह जो है फ्रैक्शन पॉइंट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, इसलिए वो जो है होल नंबर ही एक्सेप्ट करता है। तो हमारे इस डिवाइडेशन का जो रिमाइंडर बचा है वो कितना है, 3 है, वो कितना है 3 है। तो यहाँ पर जो है डी is equal to 123 mod by 10, इसका आंसर कितना आता है 3, कितना आता है 3, ये जो वैल्यू है किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, तो d वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद हमने लिखा है sum is equal to sum plus, sum में हमने पहले कितनी वैल्यू रखी है 0, तो 0 plus d में अब हमारे वैल्यू कितनी है 3, तो 0 plus 3 कितना आंसर आ जाएगा इसका 3, और ये जो है sum वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखा है, नंबर डिवाइडेड बाय 10, अब हमारा नंबर कितना है 123 डिवाइडेड बाय 10, अब यहाँ पर हमने 123 को 10 से डिवाइड किया है, तो इसका डिवीजन है कितना आता है 12, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 12। ओके, ये जो वैल्यू है नंबर वेरिएबल में फिर से ओवरराइट हो गई। उसके बाद जो है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आता है, तो फिर से व्हाइल लूप की कंडीशन जो है चेक होगी, अब क्या चेक होगा, 12 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो 12 इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन जो है ट्रू है। उसके बाद d इज इक्वल टू नंबर, अब हमारे नंबर वेरिएबल में कितनी वैल्यू है 12 वैल्यू है, 12 मोड बाय 10 कितना आंसर आ जाएगा, मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं, 12 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 रिमाइंडर रहेगा 2 और डिवाइजन आ गया 1। तो इस तरीके से अगर d इज इक्वल टू 12 मोड बाय 10 करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 2 डिवाइडेशन का, तो इसका आंसर आ गया 2, जो d वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद जो है सम इज इक्वल टू, अब हमारे सम में कितना आंसर स्टोर था पहले 3, तो 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5, जो सम वेरिएबल में फिर से ओवरराइट हो गए। और उसके बाद जो है नंबर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवीजन कितना आता है 1, तो इसमें जो है 1 आंसर जो है नंबर वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, यानी फिर से कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। अब कंडीशन में है 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो गई। तो फिर से d इज इक्वल टू
वन मोड बाय टेन कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं जो हूं वन को टेन से डिवाइड कर देता हूं तो जो डिवीजन आएगा वो जीरो और यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा वो है वन। तो इसका जो आंसर है डी इज इक्वल टू वन मोड बाय टेन, तो इसका आंसर आएगा वन। तो यहां पर वन जो वैल्यू है डी वेरिएबल में ओवरराइट हो गई। उसके बाद यहां पर लिखा है सम इज इक्वल टू, अब हमारे सम वेरिएबल में कितना आंसर है फाइव, तो फाइव प्लस अब डी में कितनी वैल्यू है हमारी वन, तो फाइव प्लस वन कितने हो गए सिक्स, जो सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गए। उसके बाद फिर से नंबर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टेन, तो डिवीजन कितना आता है इसका जीरो। तो यहां पर जीरो जो वैल्यू है वो जो है नंबर वेरिएबल में ओवरराइट हो गई। अब क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है तो फिर से कंडीशन चेक होगी, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब जो है कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा और व्हाइल लूप के बाहर हमने प्रोग्राम में प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा था सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू परसेंट डी ऑफ सम, तो हमारे सम में कितना आंसर है अब स्टोर लास्ट इटरेशन को सिक्स, तो यहाँ पर सिक्स वैल्यू जो है यूजर को डिस्प्ले हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो हमें प्लीज कमेंट कर दीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।